दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग वाला जबरदस्त गणित लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, इससे ही पहले मैंने एक और बेहतरीन गणित बनाया है जिसको आपने अगर देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा, और आपने अगर नहीं देखा है ना तो ऊपर आई बटन में जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जिसमें मैंने बताया है कि कोई ऐसे चतुर्भुज, जी हाँ हमें दो चतुर्भुज लेने हैं जिसके परिमाप अलग हो। ध्यान दीजिए, मैं ऐसे चतुर्भुज की बात कर रहा हूं जिसके परिमाप अलग हो लेकिन उसके क्षेत्रफल बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो उस वीडियो में मैंने बताया है, पूरा सिद्ध करके बताया है कि दो चतुर्भुज हमने अलग अलग चतुर्भुज लिए और उनके जो परिमाप है वो अलग थे लेकिन उनके क्षेत्रफल बराबर हो जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और आज की वीडियो क्या है, आज का वीडियो की खासियत ये है कि आज हम एक रेक्टेंगल लेने वाले हैं, एक आयत लेने वाले हैं जिनके, ध्यान दीजिए, जिनके परिमिति मतलब जिनके परिमाप है और क्षेत्रफल दोनों ही बराबर होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको एक ऐसा आयत की भुजा का मान बताना है जिसके अगर हम परिमाप निकालें और जिनके हम क्षेत्रफल निकालें तो दोनों का मान बराबर आ जाए। तो क्या यह संभव है कि आयत में ऐसा हो सकता है कि हम भुजाएं लें? और आपको पता होना चाहिए कि आपको मैं कुछ कंडीशन भी बता रहा हूं कि उसका जो मान है वो तो निश्चित रूप से पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक ही होना चाहिए। आप उसको दशमलव में नहीं लेंगे, मतलब वो जो आयत की जो भुजा लेंगे, चार भुजा लेंगे, वो पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव में नहीं लेना है, मतलब भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज के वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखेंगे। और हाँ, अगर आपको इस प्रश्न के उत्तर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जानना चाहते हैं कि इसका उत्तर कैसे निकाला जाता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने तो ये तो बता दिया कि हमें आयत लेना है, और आयत का मतलब तो हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये भुजा, ये भुजा इनके बराबर होगा और ये भुजा, ये वाला जो भुजा है इनके बराबर होगा, मतलब उसमें चार भुजा होगा। और परिमाप किसे बोलते हैं? ये जो चार भुजा दिख रहा है इनका जो योग होता है, ध्यान दीजिए, मान लिया ये ए है, ये भी ए है, तो ये बी होगा और ये बी होगा, और इनका मान बराबर होगा, मतलब ए और ए का मान बराबर होगा, ठीक है, और बी और बी का मान बराबर होगा, मतलब 2a प्लस 2b, कुल मिला के इतने को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आता है वो परिमाप कहलाता है ना, परिमिति कहलाता है, मतलब इसको हम 2a प्लस b के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उसका परिमाप, ठीक है, परिमिति। लेकिन अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें, इसी का हम क्षेत्रफल निकालें, तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? जो लंबाई होता है, क्योंकि ये जो भुजा दिख रहा है वो तो लंबाई है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आयत दिख रहा है, जो रेक्टेंगल दिख रहा है, उनका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो बराबर होगा परिमिति, मतलब परिमाप के बराबर होगा दोनों। तो क्या आप ए और बी के ऐसे मान बता सकते हैं जिसमें हम उनका परिमिति और अगर एरिया निकालें तो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से हम इसके मान निकालने का प्रयास करते हैं, बहुत ही आसानी से इसका मान निकाला जा सकता है, और इसके हम एक नहीं अधिक मान भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या इसके और भी अधिक मान संभव है? तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, हम ये तो जान गए हैं कि मान लिया ये हमारा आयत है, तो हम इसको एक्स और वाई मान के या ए और बी मान करके हल कर सकते हैं। ये हमारा वो आयत है, रेक्टेंगल है, जो एक्स और ये दोनों बराबर होगा, और इसको हम मान लेते हैं y, ठीक है। हमें क्या करना है, इनके जो परिमाप हैं और वो क्षेत्रफल जो क्या है, वो बराबर होना चाहिए। हम तो जानते हैं कि परिमाप का जो सूत्र होता है वो अलग होता है ना, अभी मैंने बताया था परिमाप बराबर होना चाहिए क्षेत्रफल के, किसके, आयत के। तो आयत का परिमाप, कोई भी चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, तो यहां पर हम चारों भुजाओं का योग करेंगे तो आमने सामने की भुजा का योग, ये तो बराबर ही है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 और x प्लस y, ये उनका परिमिति हो गया, परिमाप हो गया। लेकिन इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, दोनों का गुना है ना, भुजा गुणित भुजा, तो ये भुजा समान होता है, ये भी समान, तो इसका मतलब क्या होगा, x इंटू y होगा ये। अब हमें इसी के आधार पर ये कहा गया है कि आपको एक ऐसा आयत ढूंढना है जिनके परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो, कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स वाई, तो होगा ही है ना।
आगे हमें क्या करना है वो ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इनमें से आप चाहे तो 2x को या फिर 2y को किसी भी एक को हम दूसरे साइड ले जाएंगे, ऐसा करने से हमें या तो 2x का मान मिलेगा या फिर 2y का मान मिलेगा, आप कोई भी कर सकते हैं। ऐसा करने से देखिए यहां पर क्या होगा, हमारे पास इसको हम करेंगे, इसको हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस ये हो जाएगा टू y। आप ध्यान दीजिए अगर आप यहां पर x को पक्षांतर करेंगे तो यहां पर x आएगा। अब हमने क्या किया है, y को पक्षांतर किया है तो हमें यहां पर एक सूत्र मिलेगा और देखिए दोनों में क्या आया हुआ है, y आया हुआ है तो y को हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहां पर x माइनस टू मिलेगा। अब क्या करना है, ये जो हमें 2x मिला है अब इसमें हमें क्या करना है, या तो x का या फिर y का वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना है हम इस मान को, ये जो मान दिख रहा है ना उसको हम इधर ले आते हैं, तो हमें पता है जो अंश में होता है वो दूसरे साइड आता है तो हर में हो जाता है। इसका मतलब ये है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये जो y का वैल्यू है ये नीचे आएगा, मतलब हम क्या करेंगे 2x, y कितना हो जाएगा x माइनस टू, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा y, मतलब हमें y का एक मान प्राप्त हो चुका है और इस y के मान को हम यहां पर ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है, इसको तो हम मिटा देते हैं, आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, बाद में देख लेंगे। यहां पर देखिए हमें क्या मिल चुका है y, ठीक है, बराबर यहां पर क्या हो जाएगा 2x बटे यहां पर देखिए x माइनस टू। अब देखिए हमें क्या करना है, यहां पर हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है ये देखिए यहां पर मैं कुछ परिवर्तन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा y बराबर यहां पर हमें क्या करना है, चार को जोड़ देना है और क्या कर देना है घटा देना है, तो हमने चार को यहां पर जोड़ दिया तो ये तो लिखा है उसको हमें कुछ नहीं करना है 2x, लेकिन मैंने क्या बोला चार को घटाना भी है, इसका मतलब हमने चार को जोड़ा भी और चार को घटाया, इससे इसका मान तो कट जाएगा, मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इनसे हमें क्या हो जाएगा एक सुविधा मिल जाएगा कि हम गणित को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ऐसा करने से अब हमें क्या हो रहा है, यहां पर देखिए दोनों में ही क्या आया है, दो तो आया हुआ है छुपा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, यहां से हम कॉमन निकालेंगे किसको दो को, तो यहां पर तो चार है उसको हम कुछ नहीं करेंगे चार ही लिखेंगे, लेकिन यहां से हमने दो निकाला तो यहां पर आपके पास क्या बचा x माइनस टू बचेगा क्योंकि दो कॉमन निकल गया। फिर यहां पर देखिए पूरे का बटे x माइनस टू है भाई, ये पूरे का माइनस x बाई टू है तो दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं इसको। अब इसको हम क्या करेंगे इनको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे यहां पर क्या लिखेंगे चार का बटे हम लिखेंगे x माइनस टू लिखेंगे, ये अलग हो गया और ये अलग है तो ये देखिए टू इंटू x माइनस टू है, यहां पर तो x माइनस टू आएगा ही, तो ये देखिए दोनों सेम है तो x माइनस टू और x माइनस टू कट गया तो यहां पर केवल दो बचा है, यहां पर चार बटे x माइनस टू बचा है। अब यहीं से हमारा गणित बनेगा, अब इसको हम मिटा, इसको तो हम मिटा देते हैं, इसका कोई हमें काम नहीं है, आगे हमें जो करना है वो देखिए यहां पर हमें क्या मिल गया है, ये जो वैल्यू दिख रहा है ना ये किसका वैल्यू है y का है, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिएगा यहां पर हमें केवल इतना मिल रहा है चार बटे एक्स माइनस टू और प्लस यहां पर केवल कितना बच गया है दो। दोस्तों ये सूत्र यदि आपने ला लिया तो आप समझ जाओ कि आपके जो प्रश्न है वो बन गया है। अब हमें क्या करना है यहां पर x का वैल्यू फाइंड करना है, x का ही वैल्यू निकालना है भाई। अब ध्यान दीजिए यहां पर महत्वपूर्ण ये है कि हम जो मान निकालेंगे जो x और y का मान निकालेंगे वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होने के लिए आवश्यक है कि यहां पर देखिए हमें x का वैल्यू को मानना है तो y का वैल्यू जो आएगा वो भी पूर्णांक ही आए। हम x के मान को तो पूर्णांक ले सकते हैं लेकिन x के मान को पूर्णांक लेने पर y के मान भी पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप x के मान को जो भी लेंगे यहां पर जो भी लेंगे तो y का मान जो है क्या क्या नहीं आना चाहिए, शून्य नहीं आना चाहिए या फिर दशमलव में नहीं आना चाहिए, है ना, तभी तो हमारा मान बनेगा ना। इसका मतलब ये है आप देखते जाइए अगर मैं x के मान को यहां पर देखिए अगर मैं x के मान को एक लेता हूं तो एक लूंगा तो यहां पर मान क्या आ जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा, जबकि हमें ऋणात्मक मान भी तो नहीं लेने हैं, है ना, क्योंकि ऋणात्मक मान लेने से हमारा उत्तर नहीं बन पाएगा। दूसरा बात यदि हम x का मान एक नहीं ले सकते तो x का मान दो क्या हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते प्रूफ करके देखते हैं। अगर मैं यहां पर x का मान क्या लेता हूं दो लेता हूं, दो लेने से क्या हो जाएगा ये शून्य हो जाएगा, फिर आगे हल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा तो हम उसको हल नहीं कर सकते, मतलब x का मान दो भी नहीं ले सकते। तो क्या हम x का मान तीन ले सकते हैं, क्या इसमें x का मान तीन लिया जा सकता है, करके देखते हैं x का मान तीन लिया जा सकता है। तो यदि हम इसमें x का मान तीन ले तो y का मान कितना आएगा, ध्यान दीजिए x का मान तीन लेंगे तो तीन में दो घटाएंगे तो एक बचेगा और चार को एक से भाग देंगे तो चार ही बचेगा, तो आपको चार प्लस दो
बराबर मतलब जब आप x का मान कितना ले रहे हैं, x का मान आप 3 ले रहे हैं, तो y का मान आपको मिल रहा है कितना, यहां पर देखिए 4 और 2 कितना आ रहा है 6। मतलब ये वो पहला कंडीशन है, मतलब उस आयत का। अब यहां पर मैं चित्र को तो मिटा देता हूं, ये जो गणित है उसको मिटा देता हूं, मैं चित्र बना लेता हूं, ठीक है, और उसको मैं प्रूफ आपके सामने करते जा रहा हूं। पहला, उसने लिखा है, इस उत्तर में लिखा है कि y का मान यदि 6 है, सॉरी 6 कोई भी x y जो भी हो, हम x का मान कितना ले रहे हैं, x का मान 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो छोटा है, y का मान बड़ा है, चल ठीक है, ये y का मान लिए थे, तो y का मान कितना है 6, तो ये भी 3 होगा, मैंने बताया था सामने आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। हमारा शर्त यह है कि दोनों का परिमाप है ना, इनका परिमाप और जो क्या है एरिया, वो बराबर होना चाहिए। तो 6 दूनी 12 और ये 3 और 3 6, तो कितना हो रहा है इनका जो परिमाप है ना, ये जो परिमाप है वो कितना आ रहा है जी, इस कंडीशन में परिमाप आ रहा है, परिमाप कितना आ रहा है 18 वर्ग है ना, जो भी इकाई होगा। उसी प्रकार इनका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना आ रहा है, इनको आप गुणा कर दीजिए 6 18, देखिए मतलब जो एरिया है और परिमाप दोनों ही कितना आ रहा है 18 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर मिल गया है। तो क्या ऐसा और भी कर सकते हैं, करके देखते हैं। ये तो पहला कंडीशन हो गया, अब दूसरा कंडीशन में और चलते हैं। यदि हम x का मान को 3 तो ले लिए हैं, क्या हम 4 भी ले सकते हैं, x का मान 4 करके देखते हैं। x का मान 4 यदि हम यहां पर रखते हैं, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 होगा है ना, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, मतलब 4/2 + 2 होगा, तो 2 × 2 = 2, 2 × 4 यहां पर 2 बचा और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, y का मान कितना आ जा रहा है 4 आ जा रहा है, मतलब x का मान 4 ले रहे हैं तो y का मान भी कितना आ रहा है, यहां पर y का मान लिख देते हैं, y = भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब दोनों ही मान इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि आयत के जो दोनों भुजा है, ये वाला मतलब आमने सामने की दोनों भुजा की बात कर रहे हैं, ये वाला भी 4 सेंटीमीटर है अगर सेंटीमीटर में है तो, ये और ये भी 4 है, तो क्या इस कंडीशन में परिमाप और क्षेत्रफल बराबर आते हैं, करके देख सकते हैं, 4 × 4 = 8, 4 × 8 = 12, 4 × 16, परिमाप तो कितना आ रहा है इस कंडीशन में, परिमाप जो है 16 आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल 4 × 16, यहां पर ये भी क्या आ रहा है 16 ही आ रहा है, मतलब ये भी सही है। तो क्या इसके अलावा भी कोई और कंडीशन है, देखते हैं। तो इसके अलावा यदि हम y = क्या करें 5 करेंगे तो हमारा उत्तर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसे हम यहां पर 5 करेंगे ना, 5 में हम 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, और जैसे ही हम 4 को 3 से भाग देंगे तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, भिन्न होगा, दशमलव में होगा, तो हमारा यहां पर जो x = क्या कर रहे हैं 5 कर रहे हैं वो वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि x का मान यदि हम 6 करें है ना, तो y का मान कितना आएगा, देख लेते हैं, x का मान 6 करेंगे तो यहां पर आप मान रख के देख सकते हैं, 6 करेंगे, 6 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, यहां पर कितना जाएगा 4 आएगा, 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो आपको क्या करना है 1 में 2 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 3, मतलब x का मान जब आप 6 मान रहे हो तो y का मान कितना आएगा 3 आएगा, और ये कंडीशन हमने पहले भी अप्लाई कर रखा है, हालांकि मान जो है क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है, ये 6 हो रहा है ये 3 हो रहा है, मतलब आपको समझ तो आ गया होगा कि यहां पर अगर 6 दिया हो, ये वाला 6 हो, ये वाला भुजा 6 हो और ये वाला कितना हो 3 हो, तो इनका जो परिमाप कितना आएगा 18 ही आएगा, और इनका जो क्षेत्रफल है ना, चेतिया 18, ये भी 18 आएगा। तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा कि दुनिया में कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, कुछ ऐसे आयत रेक्टेंगल हैं जिनके परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही बराबर होते हैं, लेकिन ये विशेष कंडीशन है, इसको ज्ञात करने का पूरा तरीका मैंने आज की वीडियो बताने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से आज की वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे चैनल को लोगों दिखाई दे रहा है क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।